हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लर्क पोस्ट कोड 839 का क्वेश्चन पेपर, जो कि कंडक्ट करवाया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 17 अक्टूबर 2021 को। सीरीज डी का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो आगे आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हिमाचल जीके सेक्शन खासकर जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं सेम रिपीट हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे होते हैं। तो उसके लिए हमने एक बुक जो है प्रिपेयर की है, इसमें आपको मिलेंगे 1000 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको इस बुक में इंक्लूड किया गया है। सिंपल वन लाइनर और MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन हमने इस बुक में इंक्लूड किए हैं। तो इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़िए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, और सबसे पहले नंबर पे इस बुक का लिंक जो है वहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके बात करें अब इस क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें थे 170 क्वेश्चन, 85 नंबर का ये पेपर था, टाइम था 2 घंटे का। पहला क्वेश्चन है इसमें, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेज हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। तो बताना है कि मैन जो है कैसे रिलेटेड है उस वुमन से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हस्बैंड, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द नेवीज। तो ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है इंडिया के द्वारा सिंगापुर के साथ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डेजर्ट नाइट 21 ये न्यूज़ में था रिसेंटली, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डेजर्ट नाइट 21 जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रेज्ड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 to 150 days। तो किस स्टेट ने ऐसा किया है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो थे मनरेगा के अंतर्गत उनको 100 से 150 किया है, तो ये किया है उत्तराखंड, डी ऑप्शन। विच कंट्री चेयर्ड द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO हेल्ड इन जनवरी 2021। तो ये जो थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO का रिसेंट सेशन चेयर किया गया था इंडिया के द्वारा, ए ऑप्शन। विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड बाय द हिंदी राइटर्स गिल्ड कैनेडा, तो ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ये यूनियन मिनिस्टर जो हैं इनको ये साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड दिया गया है। विच कंट्रीज मार्स डिगर प्रोब नेम्ड द मोल वॉज डिक्लेयर्ड डेड रिसेंटली, तो किस देश के मार्स डिगर प्रोब जिसका नाम मोल दिया गया था उसे मृत घोषित कर दिया गया, तो किया गया है सी ऑप्शन, USA के द्वारा। आईस्तूपा स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो ये इनिशिएटिव थे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। आईस्तूपा और स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड ये जो थे प्रयास थे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्कस द स्टेपल फूड ऑफ विच रीजन हैज़ बिन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, तो ये किया गया है नॉर्थ अफ्रीका। तो कॉस्कस जो है वो नॉर्थ अफ्रीका का मुख्य भोजन है, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो है एक कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज एस्वातिनी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली फॉर द डिमाइस ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये लोकेटेड है अफ्रीका में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं 12 से लेकर 16 तक, इसमें आपको स्पेलिंग बतानी है करेक्ट, तो 12th का होगा सी ऑप्शन, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है ससेप्टिबल, बी ऑप्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ए ऑप्शन, कॉशियस, डी ऑप्शन, रिस्ट्रेन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन्फैचुएशन, फिल इन द ब्लैंक, वेल्थ रुइंस अ पर्सन, सो इन्फैचुएशन फॉर। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years. He did not go through the whole book before giving his opinion about it. If he had worked hard, he would have passed the examination. Hardly had he arrived
व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट जो है इसमें आपको बताना है जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सा मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं। तो पहला है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो इसका होगा बी ऑप्शन, रिक्लूस। वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, स्पेंड थ्रिफ्ट, समथिंग विच इज़ नॉट थॉरो और प्रोफाउंड, सुपरफिशियल। अ पर्सन हु मेलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर, इनसेडिरी। वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, दैट इज टेररिस्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है ऑपोजिट इन मीनिंग, तो ट्रेजेडी दो जो शब्द है ट्रेजेडी उसका ऑपोजिट है कॉमेडी। जो ब्लेटेंट का है ऑपोजिट वो है बी ऑप्शन, क्वाइट। स्पूरियस का है जेन्युइन, इम्पाउंड का है रिलीज, मेटिकुलस का है स्लोवेनली। नेक्स्ट में आपको करेक्ट जो है यहाँ पे शब्द बताना होगा, तो करुणापूर्ण होगा सी ऑप्शन, शक्तिहीन होगा ए ऑप्शन, देश रत्न होगा डी ऑप्शन, श्रमजीवी होगा ए ऑप्शन और निर्विघ्न होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट में आपको सही अर्थ जो है इसमें चुनना होगा, तो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होता है उसको हिंदी में बोला जाता है पीठाधीश। लोकल सेस को बोला जाता है स्थानीय कर, सेस होता है आपका कर। गजट को बोला जाता है राजपत्र, प्रिवेंटिव होता है निवारक, इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त। नेक्स्ट इज रेखांकित में स्मास कौन सा है इसमें, तो ए ऑप्शन है इसका तत्पुरुष। अत्यधिक का आपको संधि विच्छेद करना है, तो अति प्लस अधिक, पलंग का ततस्म शब्द है पयंक। देशज जो शब्द है वो है कपास। चंचल का स्त्रीलिंग होगा चंचला। गिरी का बहुवचन होगा गिरी। मीठा की भाववाचक संख्या है मिठास। साहस का विशेषण है साहसी। उल्लू का पर्यायवाची होगा पेचक। विलाप में प्रत्यय है आप। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया। ब्राह्मणा पुस्तकों का संबंध है, दैट इज ब्राह्मणा आर बुक्स दैट डील विद रिचुअलिज्म, दैट इज कर्मकांड। नेक्स्ट इज लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी डी ऑप्शन। द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। साकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय गौतमी पुत्र शताकर्णी सी ऑप्शन। काराबेला रूल्ड ओवर, जो खारवेल ने शासन किया कालिंगा पर ए ऑप्शन कालिंगा। सो खारवेल रूल्ड ओवर कालिंगा। वतापी वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास डी ऑप्शन। मार्केट कंट्रोल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिवल इंडिया बाय अलाउद्दीन खिलजी। कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ रामानंदा सी ऑप्शन। द बाहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हसन डी ऑप्शन। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज पटना डी ऑप्शन। हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर। द सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन 1498 AD। रेड फोर्ट ऑफ डेली वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। तुलसीदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर डी ऑप्शन। गांधीजीज फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वॉज इन कनेक्शन विद द स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद डी ऑप्शन। तो भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था, तो अहमदाबाद के जो मिल मजदूरों की हड़ताल थी उससे ये संबंधित था। मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष में की थी, 1940। हड़प नीति दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति जो था इसका ये इनके द्वारा लाई गई थी। हिंद स्वराज के ऑथर कौन है, एम के गांधी। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द फर्स्ट वुमन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा वॉज नरगिस दत्त। तो प्रथम महिला फिल्म स्टार राज्यसभा के लिए नामित और चयनित की गई थी नरगिस दत्त। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा सी ऑप्शन इज यूपी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट।
द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट डी ऑप्शन विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी ए ऑप्शन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज सी ऑप्शन विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन सी ऑप्शन गोवा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ स्टेट सो इट इज डी ऑप्शन नेशनलिज्म Which part of the Indian Constitution declares the ideal of welfare state directive principles of state policy? Maximum strength of Rajya Sabha is 250. Which writ is not specifically provided in the Constitution of India? Injunction D option. Panchayati Raj is included in the B option. State list. The Attorney General of India is appointed by the President. Which is the smallest planet? That is Mercury. Vernal equinox falls on 21st March. The jet stream is found in the tropopause Kshobshima. Which is the most destructive, that is tornado. Which is not a sedimentary rock, basalt. The tropical grasslands of Africa are known as savannas. Elephant Pass is located in Sri Lanka. The capital of Bolivia is La Paz. Nippon is the new name of Japan. The largest island in the Indian Ocean is Madagascar. Which is not a cash crop? Jawar. Chief industrial city of Italy is Milan. Maoris are the inhabitants of New Zealand. Which is known as the Forbidden City? That is Lhasa. So Forbidden City ke naam se kise jana jata hai? Lhasa ko. The first satellite was launched by USA. Which river flows through a rift valley? कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? B option, Narmada. The highest waterfall in India is Jog. Most of India's rainfall is cyclonic. Which state is in the easternmost part of India? So that is C option, Arunachal Pradesh. Kaziranga National Park जो है वो located यहाँ इनमें से किसी में भी नहीं है तो इसका option होगा D. None of these. Arthashastra by Kautilya is related with political reign, राजकीय शासन से. कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो था वो संबंध रखता है. Stagflation refers to a situation which is characterized by inflation and rising unemployment. नबार्ड जो है वो किसके विकास से संबंधित है? वो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से. So agriculture and rural areas, if cash reserve ratio decreases, credit creation will increase. Taxation is a tool of fiscal policy. Balance of trade is the difference between countries' exports and imports. In which year new economic policy was announced in India? 1991. Banking comes under which of the following sector? Tertiary sector. Barter system means exchange of goods with goods. What does IMF stand for? International Monetary Fund. A option. Interferons are synthesized in response to virus. D option. MS Word kya hai? Word processing software. MS Word mein copy command ki jati hai. Control plus C se. MS Word mein the content of a clipboard remains the same until. तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा. यू आप वहाँ पे अदर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर को. नेक्स्ट इज इन एमएस वर्ड शिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एट्सेट्रा आर नोन एज टेक्स्ट इफेक्ट्स. बी ऑप्शन. इन एमएस वर्ड इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज सो यू विल चूज फॉर्मेट मेन्यू. सी ऑप्शन. What do you do when you make changes to a document in MS Word? So you edit. C option, edit. How many different positions can you set up for drop cap in MS Word? So it is 3. A option. Which is not true fish, that is starfish.
too much consumption of tea or coffee can result in deficiency of calcium, which is the sweetest sugar, fructose. Hemoglobin is an important constituent of red blood cells, which is not a gland. It is stomach B option, which disease is caused due to deficiency of protein. Kwashiorkor B option, which is a communicable disease. So कम्युनिकेबल डिसीज़ जो संक्रामक बीमारी है इनमें वो है डिप्थीरिया बी ऑप्शन. टेम्परेचर इन्वर्जन इज नेगेटिव लैप्स रेट. लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स आर एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर. वेयर इज़ अ ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड. हियरिंग एड. हु डिस्कवर्ड टेलीविजन? जॉन बेयर्ड. रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड in lead boxes because lead is good observer. C option is the correct answer. What is the common name of calcium hypochlorite? So it is bleaching powder. Magnetite is an ore of iron. D option. What is the dry ice? Sodium carbon dioxide, which is known as marsh gas. Methane. Longitudinal extent of HP is, so it is 75°47 to 79°4 east. Next is Paramveer Chakra winner. Subedar Sanjay Kumar belongs to which district of Himachal Pradesh? So answer is Bilaspur. A option is the correct answer for this. Mani Mahesh Yatra is performed in which district of Himachal Pradesh? Chamba. Baba Balaknath Fair is celebrated in which district of Himachal Pradesh? Hamirpur. Which place in Himachal Pradesh is famous for paragliding? Bir Biling. Shila Peak is located in which mountain range of Himachal Pradesh? B option, Zaskar. So ये जो questions Himachal के भी हम solve कर रहे हैं, ये जो discuss कर रहे हैं, जो मैंने starting में book बताई थी उसमें सभी questions include हैं. अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आगे जो भी आपके paper होंगे उनमें सीधे सीधे question आपके वहाँ से आ सकते हैं. तो इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़िए. डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर पहले नंबर पे मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सो ये है किन्नौर में. भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो इट इज़ इन कुल्लू. गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति? बी ऑप्शन. कसौली सब डिविजन इज लोकेटेड इन, ए ऑप्शन, सोलन. फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज विद्या स्टोक्स. सुजानपुर टाउन वॉज फाउंडेड बाई विच रूलर? अभय चंद, ए ऑप्शन. समरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? रोहडू. विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड? सो ये है नाको. शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट छतरारी? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. महमूद गजनबी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपेडिशन? यानी कि महमूद गजनबी ने किस हमले में कांगड़ा किले में लूटपाट की थी? तो ये था इसका चौथा हमला. तो चौथे हमले में कांगड़ा किले में इन्होंने लूटपाट की थी. इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल बेंतुरा वॉज सेंट टू मंडी? सो ये सेंड की गई थी 1839 AD में. इन विच ईयर पोलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज एट ताल इन सुजानपुर टीरा? सो इट इज़ 1927 AD. HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1971 AD. कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन हमीरपुर? हर्मिट इज टू सॉलिट्यूड एंड इंट्रूडर इज टू बर्गलर. विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो इसमें होगा डी ऑप्शन, MPQR. मिसिंग लेटर है इसमें ABAB, सी ऑप्शन. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इज इन द मिडल ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज? सो इट इज़ नन ऑफ दीज. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड कॉस्मोपॉलिटन विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन अल्फाबेट? बी ऑप्शन 9. सील इज रिलेटेड टू ASLE इन द सेम वे एज POUR इज रिलेटेड टू UPRO? ए ऑप्शन. प्रवीण वॉक 30 meters टूवर्ड ईस्ट, टुक अ राइट टर्न and walked 20 meters again, took a right turn and walked 30 meters. How far was he from the starting point? So answer is 20 meters. Shailesh saw the movie on Monday. Nitin saw the movie 2 days prior to Vikas.
बट 3 days आफ्टर शैलेश ऑन विच डे डिड विकास सी द मूवी सो आंसर इज सैटरडे इन अ रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड मयंक सेड आई वॉज 17th फ्रॉम द लास्ट वट वॉज मयंक्स पोजिशन फ्रॉम द टॉप सो इट इज 113th सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सो द गाइस पूरा पेपर अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस तरह की अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में